एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ व्रत में खाई जाने वाली आलू टमाटर की सब्जी की रेसिपी, और ये एकदम चटपटी और लाजवाब बनने वाली है। किस तरीके से मैं इसको बनाने जा रही हूँ आप जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें एक मसाले का यूज किया मैंने, जो व्रत में खाए जाने वाले मसाले की रेसिपी है उसका वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप आई बटन पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, और इनको हमें चाकू से न काटकर हाथों से तोड़ना है। तो आप देख सकते हो कुछ छोटे और कुछ बड़े साइज में मैंने इनको हाथों से तोड़ लिया है, इससे सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। फिर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, और तीनों को मिलाकर पेस्ट बना लिया है, मिक्सर में पीस लिया है। इसके साथ चाहिए हमें व्रत का मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दे देती हूँ। साथ में चाहिए हमें देसी घी, जीरा, साबुत जीरा और सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत का खाना बना रहे हैं इसलिए हमें सेंधा नमक चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर गैस पर चढ़ा लिया है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सब्जी कुकर में बनाएं, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कढ़ाई में उतना अच्छा घुटी हुई सब्जी नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा जब थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा तब हम इसमें जो पेस्ट बनाकर हमने रखा टमाटर वाला, तो उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक। तो यहाँ पर मैं अभी 2 छोटे चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ, और उसके बाद सब चीज़ों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि टमाटर अच्छे से जो है पक जाए, इनमें जो कच्चापन है वो चला जाए। इसके लिए हम तेज़ आंच पर इसको चढ़ा देंगे, और जब सीटी आने लग जाएगी तब हम आंच को कम कर देंगे, और इसी तरीके से धीमी धीमी आंच पर 5 मिनट कुकर का ढक्कन लगे हुए ही हमें इसको पकने देना है टमाटर को। तो 5 मिनट के बाद हमें गैस नहीं बंद करनी है, बस इसी तरीके से सीटी को जो है इसको उठा लीजिए और इसका स्टीम पूरा निकाल लीजिए बाहर, और ढक्कन को खोल लेना है हमें। तो ये देखिए टमाटर अच्छी तरीके से फूल चुका है, पक चुका है, और उसका जो कच्चापन रहता है वो भी सारा जा चुका है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे व्रत का मसाला। तो ये 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर व्रत का मसाला डाल रही हूँ इसमें, और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे टमाटर के साथ अच्छी तरीके से। इसको थोड़ी देर हमें भूनते रहना है जिससे कि टमाटर का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। और आप देख सकते हो ये भूनने के बाद अब टमाटर सूख चुका है। इसके अंदर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम जो हमने आलू तोड़कर रखे हुए हैं बॉयल, उनको इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। आलू डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है मसाले के साथ। तो इस तरह से इसको चलाते रहें, तो 2 से 3 मिनट करीब हो चुके हैं, और अब इसके अंदर हम पानी को ऐड करेंगे। तो अभी मैं 1 गिलास पानी पहले ऐड करके देख रही हूँ, अगर इसकी कंसिस्टेंसी सही रहेगी तो ठीक है, वरना हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी की ज़रूरत अभी और है, तो यहाँ पर मैंने 1/4 गिलास पानी अभी और यूज़ किया है, और इतना बच गया है। देखिए 1/2 गिलास मैंने लिया था, तो 1/4 गिलास पानी मैंने और यूज़ किया है, और अब मैं ढक्कन लगा दूंगी, और 1 सीटी आने के बाद मैं आंच को कम कर दूंगी, और फिर 6 से 7 मिनट के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, स्टीम निकल चुकी थी कुकर की, मैंने कुकर खोल लिया है, और अब इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, और जितना ज़्यादा आप धनिया डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगती है। तो ये आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी सही है, इतनी गाढ़ी गाढ़ी एकदम चटपटी सब्जी बनके तैयार हुई है। और ये सिंघाड़े की आटे की पूड़ी के साथ मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, आप भी इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।